गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइलिंग दिवा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक। इस लुक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कोई ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करी थी। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है मेरी मम्मी की वेडिंग साड़ी है जो उन्होंने अपनी शादी पर पहनी थी। सो इस साड़ी के साथ मुझे बहुत टाइम से एक लुक क्रिएट करना था तो मैंने सोचा चलो ब्राइडल मेकअप ही क्रिएट करते हैं। सो आई होप आज का लुक आपको अच्छा लगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने लुक कैसे क्रिएट किया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लेंसेज पहन लिया ऑफ कैमरा, फर्स्ट टाइम लेंसेज पहन रही थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था ये लेंस। उसके बाद मैंने अपना ब्यूटी पेरिकम मिस्ट अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और अच्छी तरीके से अपने फेस पर मसाज कर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजिंग जेल और इसे मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। आज मैं अपना आई मेकअप पहले कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप था, इसे मैं पहले अपना आई मेकअप कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रो बना ली एफ सी के प्लेटिनम आईब्रो किट से, ब्राउन शेड देकर अपनी आईब्रो फिल की। उसके बाद मैंने सिस ब्यूटी का कंसीलर दिया है इन दी शेड 01 लाइट वीट और इसे मैंने अपने आई लिड्स पर अप्लाई किया और एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं हिलारी डोरा की आई शेडो पैलेट से लाइट ऑरेंज एंड येलो शेड लेकर एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँ और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट से डार्क मेहरून शेड लिया और इसे मैंने अपने आउटर वी से इनर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ब्लेंड कर लिया। एक बार में बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है, आपने थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने सेम कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज बना लिया और उसमें गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया। अब मैं लूज ग्लिटर ले रही हूँ गोल्डन शेड का और इसे मैं जहाँ पे मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया था वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं अपना फेस मेकअप कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर ले रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज़ कीजिए या फिर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप पोर फिलिंग प्राइमर अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैंने मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है, दो शेड लिया है 340 कैपेचिनो और 230 नेचर, अब दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप जो है फाउंडेशन से पहले कलर करेक्टर यूज़ कर लो, बट क्योंकि मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया। अब मैं सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ और इसे अपने अंडर आइज, नोज पे, फोरहेड पे, लिप्स के अराउंड लगाऊंगी और एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, फुल कवरेज देता है तो मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने पूरे फेस पे। उसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाईबे का कॉन्टोर स्टिक और इसकी हेल्प से मैं अपनी कॉन्टोरिंग कर लूँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा हैवी लुक चाहिए था, इसे मैं क्रीम कॉन्टोर भी कर रही हूँ। इसे मैंने अपनी कॉन्टोर एरियाज पे अप्लाई कर लिया और एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर ले रही हूँ इन दी शेड नेचर, इसकी हेल्प से मैं बेकिंग कर लूँगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है बेकिंग मत कीजिएगा, ऐसे ही अपने फेस को सेट कर लीजिएगा। अब मैं मैरून शेड लेकर अपने लोअर लैश पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं मेबलिन क्लोसर का लाइनर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। काफ़ी थिक सा मैंने एक जो है लाइनर ड्रॉ किया क्योंकि हैवी लुक है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक ही आईलाइनर आज ड्रॉ किया है। अब मैं लैक्मे का काजल ले रही हूँ और इसे मैं अप्लाई करूँगी, बट उसके बाद मैंने वाइट काजल अप्लाई किया है मिस क्लेयर का क्योंकि मुझे काजल ब्लैक काजल अच्छा नहीं लगा, इसे मैंने वाइट काजल अप्लाई कर लिया। अब मैं अपना जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे रिमूव कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। अब मैं डूडूकल की कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ, इसमें से कॉन्टोर शेड लेकर अपनी कॉन्टोरिंग करूँगी अपने हॉलेज ऑफ द चीक्स की, जॉ लाइन की, फोरहेड की और एक ब्रश की हेल्प से नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा बट जब मैंने ब्लश अप्लाई किया था मैंने अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट ले रही हूँ, इसमें से एक कोरल शेड लेकर अपना ब्लश अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसमें काफ़ी अच्छे शेड है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होती है तो मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने कलर लुक का हाइलाइटर लिया है और इसे मैं अपने चिक्स पे, क्यूपिड बो पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे, ब्राउ बोन पे, आईज के इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी करती जाऊँगी। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी तो आज मैंने दो लिपस्टिक के शेड यूज़ किया है। पहला है स्विस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 05 ग्रैब वाइन और इसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स को शेप दे दूंगी। अब मैं एनवाईबी की लिक्विड लिपस्टिक अपने पूरे लिप्स पर अप्लाई करूंगी इन दी शेड मरिंडास फर्स्ट किस। सो यही है मेरा फाइनल लुक, होपफुली आज का लुक आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका लुक कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।